नूरपुर विधानसभा में पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। क्षेत्र में जल शक्ति मिशन के तहत पानी की पाइप लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन उनमें पानी ही नहीं है। यह बात नूरपुर के पूर्व विधायक एवं जिला कांगड़ा के अध्यक्ष अजय महाजन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। अजय महाजन ने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि लोगों को सड़कों पर उतर कर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नूरपुर के विधायक एवं वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा था कि नूरपुर शहर को दो समय पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ के हालात आज सबको पता है। उन्होंने कहा कि मंत्री हमेशा इतिहास रचने की बात कहते रहते हैं, लेकिन नूरपुर में पानी की सप्लाई ना देकर उन्होंने यह इतिहास जरूर रच दिया है। महाजन ने कहा कि कई ऐसी पेयजल योजनाएं हैं जो आज या तो हाफ चुकी हैं या फिर उनसे गंदा पानी लोगों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री समस्या का समाधान कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर करें और लोगों को राहत दें। नूरपुर में लोगों की पानी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है और दिन ब दिन ये जो स्थिति है बिगड़ती जा रही है। ये जल जे जो जल शक्ति मिशन है उसके अंतर्गत पाइप कई जगह डाल दी गई है अपने झेलों को खुश करने के लिए और सोर्सेस क्रिएट नहीं किए गए। रिजल्ट क्या हुआ है, जहां पहले भी पानी जाता था वो भी बंद हो गया और कई टैंक्स बना दिए गए हैं इसमें पानी गिरा गया। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले कहा, सोर्सेज नहीं क्रिएट नहीं किए गए। आपकी नामी में गंदा पानी जो है उसको उठा रहे हैं, डायरेक्टली भेज रहे हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक नहीं चल रहा। और दूसरा जो पानी नागनी को दे रहे हैं, जो नागनी कैसी पर स्कीम होती थी, कई पंचायतों को पानी देती थी, उसको खुद को आधा घंटा पानी मिल रहा है। शहर को दो घंटे दो बारी दिन में कहा था पानी मिलेगा, उसको भी अब जो पहले जैसे आधा घंटा आता था उसको डिवाइड कर दिया है तो अब दोनों टाइम दिक्कत आनी शुरू हो गई है। वाटर पर साफ और नॉर्मल गंदा पानी भी जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे टाइम में जितनी भी सोर्सेस थे, जो हमने स्कीम सैंक्शन कराई थी और काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई हैं, उसकी अभी उनके शुरू की भी शुरुआत नहीं हुए। इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम थी गंभीरी 16 करोड़ की, वो ही नहीं अभी शुरू हो पाई। और इसके अलावा करोड़ों की और स्कीमें थी अलग अलग गाँव में जो इन्होंने अभी स्टार्ट की। जहाँ तक हमारे टाइम में 29 ट्यूबवेल भी सैंक्शन हुए थे, उसमें अधिकतर जो है अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हुए। ऑल्टरनेटिव लोगों को पानी देने का इन्होंने सिस्टम भी तैयार किया। तो मैं मंत्री जी जो रोज अपने अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से और गाँव में जाके कह रहे हैं कि मैंने करोड़ों रुपया दे दिया और नूरपुर में एक नया इतिहास रचा दिया पानी देने का, इन्होंने उल्टा रचा दिया इतिहास कि लोगों के नल को पानी ही नहीं आना। इतनी बुरी हालत पानी की मेरे ख्याल मैंने नहीं कभी देखी, मतलब मेरे अपने होश में जो हालात बन रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से मैं गुजारिश करूँगा कि इमीडिएटली जो है इसका समाधान किया जाए, कागजों में नहीं प्रैक्टिकल। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।